आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी 18 है। वर्गों की कुल संख्या कितनी है 18, यानी कॉलम की संख्या टोटल कितनी है 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है 7 है। आवर्तों की कुल संख्या 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है, आधुनिक बोला है ना, मेंडलीव के अनुसार कहा जाए तो एटॉमिक वेट को क्या बढ़ते क्रम हुआ है, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट में क्या है, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है, किस पर है, बढ़ते हुए परमाणु संख्या पर है, ओके, बढ़ते हुए परमाणु संख्या पर, लेकिन मेंडलीव ने क्या किया था, एटॉमिक वेट पर किया था, जो मोसली ने किया है। आधुनिक आवर्ती नियम के प्रवर्तक कौन है, मोसले है। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के प्रवर्तक कौन है, मोसले है, जबकि एटॉमिक वेट पर आधारित है मेंडलीव का, एटॉमिक नंबर पर आधारित है किसका, मोसले का, एटॉमिक वेट पर आधारित है मेंडलीव का, और एटॉमिक थ्योरी का सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है, तत्वों की आवर्त सारणी के जनक, आवर्त सारणी के जनक कौन है, मेंडलीव ही है, ठीक है, आवर्त सारणी के जनक कौन है, दमित्री मेंडलीव है, दमित्री मेंडलीव है। आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है किस पर, लंबा रूप किस पर है, आवर्त सारणी के आधुनिक पर, तो एटॉमिक नंबर पर है, एटॉमिक नंबर पर, परमाणु संख्या पर है। किस आधुनिक आवर्त सारणी को आधारित है, निम्न में से किस आधुनिक आवर्त सारणी पर आधारित है, तो एटॉमिक नंबर पर, यानी परमाणु संख्या पर आधारित है। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, या कि नियम किसके, मेंडलीव ने दिया था, दमित्री मेंडलीव ने दिया था, नहीं बल्कि अक्रिय तत्वों के लिए किस समूह के सदस्य है, शून्य समूह, अक्रिय गैस जो है शून्य समूह है, और अक्रिय गैस ये क्यों है, क्योंकि इसका लास्ट जो सेल होता है ना फुल होता है, इसीलिए यह शून्य सेल कहलाता है या अक्रिय गैस कहलाता है, ओके। क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है, तो क्षार धातुओं किस में रखा गया है, वन ए में रखा गया है, क्षार धातु है, ठीक है, यानी धातुओं को कहाँ रखा गया है, वन ए में रखा गया है, वन ए में रखा गया है, ओके, जिसे कहते हैं ही लीना का रिबन किसने फाड़ा, ये शॉर्टकट ट्रिक है। किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं, सिक्का का धातु होता है वन बी, सिक्का का धातु कौन है, वन बी, सिक्का का धातु कौन है, वन बी है, सिक्का का धातु कौन है आपका, वन बी है, सिक्का का धातु कौन है, वन बी है, सिक्का का धातु कौन है, वन बी, सिक्का का धातु कौन है, वन बी है, सिक्का का धातु कौन है, वन बी, सिक्का का धातु कौन है, वन बी है, ओके, जबकि धातुओं का यानी क्षार धातुओं का कौन है, वन ए है, वन ए आपका क्या है, क्षार धातु है, ओके, वन ए जो है आपका क्षार धातु है, सिक्का का धातु वन बी है, सिक्का का धातु कौन है, वन बी है। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं, तो किस नाम से जाने जाते हैं, निष्क्रिय तत्व के नाम से जाने, शून्य धातु जिसे अक्रिय गैस कहते हैं या निष्क्रिय तत्व, ये किसी से रिएक्ट नहीं करता है, ओके, ये शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं, तो निष्क्रिय तत्व के नाम से जाने जाते हैं। आवर्त सारणी में दो तत्व का नाम फ्रांस के नाम पर है, ठीक है, दो तत्व का नाम फ्रांस के नाम पर है, एक नाम है फ्रांसियम, फ्रांसियम लिक्विड अवस्था में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है, फ्रांसियम जो होता है लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, तो दूसरा तत्व कौन सा है, फर्मियम, ठीक है, दोनों ही फ्रांस के नाम पर रखा गया, एक वो फ्रांसियम है, एक वो फर्मीमियम है, फर्मीयम नाम है, ठीक है, एक फ्रांस का नाम है फ्रांसियम नाम, एक फर्मियम, ये आपका दो तत्व का नाम है जो फ्रांस के नाम पर आधारित है, ओके। लोहा में मिलाया जाता है क्रोमियम, जिससे कि इस्पात बनाने में काम आता है, ओके। फ्लोरीन जो हाईली एक्टिव रिएक्टिव सब्सटेंस होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब्सटेंस भी है। गैलियम जो होता है हाथ में ही, हाथ पर रखते के साथ क्या होता है, गल जाता है, गैलियम जो होता है हाथ पर रखते के साथ गल जाता है। पोलोनियम की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी ने किया था, ओके, मैडम क्यूरी ने किया था पोलोनियम की खोज, और रेडियम की खोज भी किसने की थी, मैडम क्यूरी ने ही खोज किया था। सबसे भारी धातु कौन होगा इसमें, ओस्मियम है, सबसे भारी धातु इसमें कौन है, ओस्मियम होता है, सबसे भारी धातु कौन है, ओस्मियम कहलाता है, ओके। पारा को किस में रखा जाता है,
लोहा के बर्तन में रखा जाता है, ठीक है। चांदी, सोना आपका क्या होता है, मुक्त अवस्था में होता है, ओके। सोना जो होता है आपका मुक्त अवस्था में होता है। अकेला वेराइट असेल्वेनाइट, ये आपका क्या है, सोना का अयक्स है। केला वेराइट असेल्वेनाइट क्या है आपका, सोना का अयक्स है। चांदी का अयक्स कौन है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा दोस्तों। सबसे हल्की धातु कौन होगी, लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन है, लिथियम है। इसमें से सबसे हल्की धातु कौन है, लिथियम है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है, ओके। जबकि मैग्नीशियम आपका सोडियम 11 हो गया, मैग्नीशियम 12 हो गया, अलमुनियम 13 हो गया, ओके। प्लैटिनम का क्या खासियत है दोस्तों, ये बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। सबसे हल्का तत्व कौन सा है, सबसे हल्का तो हाइड्रोजन है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। इसे आवारा तत्व का नाम भी दिया गया है, इसे क्या नाम दिया गया, आवारा तत्व का, ओके। और एक सुइटेबल गैस माना जाता है हीलियम को, ओके। लिथियम आपका क्या है, लिथियम बैटरी, आपको बैटरी में यूज किया जाता है, इसे चाकू से काटा जा सकता है, हाइड्रोजन को भी चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम, सोडियम को भी, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। बल्ब में भी सोडियम का यूज किया जाता है, पीले बल्ब में। कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋणात्मक है, फ्लोरीन जो आपका सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व है, फ्लोरीन जो होता है आपका सबसे अधिक तत्व ऋणात्मक होता है। देखिए गोताखोर जो होता है ऑक्सीजन और हीलियम के गैस को मिक्सचर को ही लेके जाता है नाक में, पे गोताखोर यूज करता है, समुद्र के अंदर उतरता है, ऑक्सीजन और हीलियम के मिक्सचर का रहता है जो गोताखोर यूज करता है। और अस्पतालों में भी सांस में लेने के लिए यूज किया जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम का मिक्सचर होता है, ओके। कैल्शियम ऑक्साइड जैसे लाइम कहते हैं, लाइम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने पर क्या बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है, क्या बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है, जिसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। कौन सा तत्व का मौलिक गुण है, मौलिक गुण कौन है, तो एटॉमिक वेट है। और मौलिक गुण क्या है, एटॉमिक गुण, मौलिक गुण, मौलिक गुण यानी मौलिक गुण कौन सा है, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। मौलिक गुण कौन सा है, एटॉमिक नंबर है। मौलिक गुण कौन सा है, एटॉमिक नंबर है। पृथ्वी के पटल पर 97.2% भाग कितने तत्वों से बना, 8 ऐसा तत्व है जो पृथ्वी के पटल पर 97.2% भाग कितने तत्वों से बना, 8% ऐसा तत्व है पृथ्वी के पटल पर 97.2% भाग कितने तत्वों से बना है, 8 तत्वों से बना है। कितने तत्वों से बना, 8 तत्वों से। पृथ्वी का कितने तत्वों से बना, पृथ्वी कितने तत्वों से बना, 8 तत्वों से। पृथ्वी कितने तत्वों से बना है, मैक्सिमम 8 तत्वों से, मैक्सिमम 8 तत्वों से। इसका परसेंटेज 97.2% है। जो पृथ्वी का, पृथ्वी कितने तत्वों से बना, 8 तत्वों से। पृथ्वी 8 तत्वों से, 8 तत्वों से बना जो 97.2% है। ऐसा 8 ऐसा तत्व है जो 92% हिस्सा आता है, ठीक है, जो पृथ्वी के पटल निर्माण किया है, ओके। पृथ्वी के पटल पर 97.2% भाग कितने तत्वों से बना, 8 तत्वों से। 8 तत्वों से बना जो 97.2% से बना है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा तत्व है, अल्मोनियम है। सेकंड में ऑक्सीजन है 21%, ओके। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व सेकंड नंबर पर देखिए ऑक्सीजन होगा, पहला नंबर पर कौन है, अल्मोनियम होगा। सिलिकॉन आपका यूज करता है, यूज किया जाता है सोलर प्लेट में। लोहा के बर्तन में रखा जाता है क्या, पारा को, ओके। संक्रमक तत्व की विशेषता क्या है, यह ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसका डी ऑर्बिटल क्या होता है, खाली होता है। डी ऑर्बिटल जो होता है उसका क्या होता है, डी ऑर्बिटल खाली होता है, ओके। डी ऑर्बिटल क्या होता है, इसका अपूर्ण होता है, इसलिए संक्रमक तत्व कहलाता है। संक्रमण तत्व मतलब ट्रांजिशनल एलिमेंट, ट्रांजिशनल एलिमेंट इसलिए होता है कि डी ऑर्बिटल इसका खाली होता है। डी ऑर्बिटल खाली होता है, डी ऑर्बिटल क्या होता है, खाली होता है। डी ऑर्बिटल अपूर्ण होता है, ठीक है। डी ऑर्बिटल क्या होता है, खाली होता है, अपूर्ण होता है, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहलाता है, क्योंकि डी ऑर्बिटल इसका खाली होता है। डी एलिमेंट इसका, डी ऑर्बिटल क्या होता है, खाली होता है। डी ऑर्बिटल खाली होता है, खाली होता है। डी ऑर्बिटल क्या होता है, खाली होता है, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है।
ट्रांजिशन एलिमेंट की विशेषता यही है। अब प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन होता है? ये है निष्क्रिय गैस होता है, ठीक है, निष्क्रिय गैस होता है। निष्क्रिय गैस इसलिए कहते हैं इसका लास्ट ऑर्बिटल क्या होता है, फ्यूल होता है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य कौन है? एक क्षार धातु है। कौन है? एक क्षार धातु है, ओके, जो वन ए में है। और लास्ट में कौन है? अक्रिय गैस है। आवर्त के लास्ट में कौन है? अक्रिय गैस है। हेलोजन हीलियम क्लोरोफ्लोरोब्रोमो आईट, ये हेलोजन ग्रुप है। निम्न में से किस में शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय होती है? शून्य इलेक्ट्रॉन किस में होता है? नियॉन में। शून्य इलेक्ट्रॉन किस में होता है? नियॉन में होता है। शून्य इलेक्ट्रॉन किस में होता है? नियॉन में, ओके। हाइड्रोजन और हीलियम, ऑक्सीजन और हीलियम के मिक्सचर को गोताखोर यूज करता है या अस्पताल में ऑक्सीजन के लिए जो आप देखते हैं सिलेंडर भरा होता है वो हाइड्रोजन हीलियम का मिक्सचर होता है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है, ओके। नाइट्रोजन के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट करके क्या होता है? जल जाता है। तीसरे या चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक एंड एसिडिक है। चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक होता है। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की कुल संख्या कितनी है? आठ तत्व है। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की कुल संख्या कितनी? आठ है, ओके। पृथ्वी का जो 97% जो हिस्सा है, 97.2% जो होता है आठ तत्व से मिलकर बना है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ओके। पृथ्वी आवर्त सारणी के दूसरे आवर्तों में तत्वों की कुल संख्या कितनी है? आठ है। आवर्त सारणी में दूसरे आवर्तों में तत्वों की कुल संख्या कितनी? आठ है। और पृथ्वी का जो आठ एलिमेंट से मिलकर बने हैं टोटल पटल, ओके, जो 97.2% है, 97.2% है। चैनल पसंद आया तो लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप पर शेयर कर दें, रिपोर्ट ईर तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो आप इस प्रकार रटते रहेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, टोटल याद हो जाएगा, ओके। और जब भी आप खाना बना रहे हो, इत्यादि बना रहे हो, तो क्या करिए, सुनते रहिए इसको, जिससे कि सुनने से आपको क्या हो जाएगा, रिपीट करने से याद हो जाएगा, ओके। रिपीट करिए, रिपीटेशन करिएगा तभी आपको याद करिए होगा, ठीक है। रिपीट करने से रिमेंबर होगा, रिमेंबर से आप क्या होगा, नंबर वन होइएगा, इसलिए इसका नाम है चैनल का, रिपीट रिमेंबर नंबर वन।